समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगम विहार कॉलोनी में प्रेमनगर थाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 75 लाख की संपत्ति की कुर्की की गई। बताया गया है कि झांसी के संगम विहार कॉलोनी में रहने वाले सरताज पुत्र गुड्डे के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें आज जिला प्रशासन द्वारा अवैध कार्यों से अर्जित की गई लगभग 75 लाख की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई है। झांसी से समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आज ये 14 के अंतर्गत सरताज उर्फ गुड्डे पुत्र मुश्ताक संगम विहार कॉलोनी, ये हीनियस क्राइम करता है और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, समस्त हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व रहता है। इसके द्वारा पूर्व में जो घटना कार्य की गई उनके द्वारा जघन अपराध से जो संपत्ति अर्जित की गई थी लगभग 75 लाख की करीब है, अनुमानित लागत इसकी 75 लाख है। इस संबंध में जो अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई है। सर, इसके ऊपर कितने मुकदमे हैं? लगभग 1.5 दर्जन के करीब इसके ऊपर मुकदमे हैं और ये गैंग बना के पूर्व में काम करता रहा है। इसके द्वारा जघन्य अपराधों में की घटनाओं को अमलीजामा दिया गया है और उसके व्याप पर इसी कार्रवाई अमल में लाई गई है।